नमस्कार देवी और सज्जन, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे देश के कुछ महान हस्तियां मौजूद है, और वो है नेताजी, फौजी, किसान, प्रोफेसर, डॉक्टर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना, मेरा भारत महान। आप सबकी क्या राय है? कौन है ये लोग जो हमारे भारत को महान बनाते हैं? इस बात में कोई दोहराया तो नहीं है कि देश की तरक्की में सबसे अहम भूमिका हम नेताओं की रही है। और वैसे भी देखा जाए तो कोई भी जंग हमारे सहयोग के बिना जीती नहीं जा सकती। जीत तो हम तभी जाते हैं जब हम लड़ने का फैसला करते हैं। बाकी तो मारना मरना है, चलता रहेगा। लड़ने से सिर्फ दुश्मन खत्म हो गए, और पानी पिलाने से दुश्मनी जो हम करते आए हैं। असली काम तो हम टीचर्स का है, देश की नींव हम मजबूत करते हैं। देश में ऐसे ऐसे हीरा पैदा हुए हैं जो देश का नक्शा बदलने का हौसला रखते हैं। उन हीरो को पहचानना और बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तो है, जो मजा देश की सेवा करने में है वो मजा किसी और में नहीं। हमने ये कोविड महामारी के समय में महसूस किया है। क्या बात, क्या बात! मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब। क्या ख्याल है प्रोफेसर साहब? बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर साहब ने। बच्चों की हुनर तो हम पहचानते हैं, लेकिन सेवा जैसा भाव तो आपके कार्य से ही आता है। ये बात तो सोलाना सच है, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा कैसे भूल सकते हैं हम लोग? इन दोनों के बिना देश की तरक्की होना असंभव है। हमारा योगदान तो बस देश का पेट भरने तक सीमित हो गया, लेकिन हमारी देश की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवान जो अपना घर परिवार छोड़ के दिन रात अपना सीना तान कर निडर खड़े होते, उनका कोई मोल ना हो गए। आप नमक का हक अदा करना जानते हैं और हम मिट्टी का। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा सकते हैं। मिट्टी का हक अदा करना जानते हैं हम। देश की मिट्टी के लिए मर मिटने का हौसला रखते हैं हम। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं, खुदा भी नहीं। हमारे देश में 21 भाषाओं में 5600 प्रकार के अखबार छपे जाते हैं, जिनके पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ से भी ज्यादा है। 29 राज्य है, लेकिन हर एक देशवासी को एक ही मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं हमारे देश में, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एकता में बल होता है, और ये बात हमारा देश सदियों से साबित करता आ रहा है और करता रहेगा। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद।